खाजूवाला विधानसभा में दूसरी पंचायत समिति बनी पूगल में 37 ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रथम चरण की 28 सितंबर को होने हैं और इनके तहत प्रत्याशियों द्वारा गाइडलाइन की पालना करते हुए चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए सरपंच दावेदारों द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं। बिजली, चिकित्सा व शुद्ध पानी की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुरूप वोट मांगे जा रहे हैं। पूगल ग्राम पंचायत में हमारे संवाददाता ने पहुंचकर सरपंच प्रत्याशी से की खास बातचीत। खाजूवाला विधानसभा की एकमात्र पंचायत समिति खाजूवाला के बाद इस बार पूगल को पंचायत समिति बनाया गया है। पूगल पंचायत समिति में 37 ग्राम पंचायतों के चुनाव प्रथम चरण के 28 सितंबर को होने हैं, जिसको लेकर यहां पर प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूगल ग्राम पंचायत की इस समय 3 कैंडिडेट जो मैदान में उतरे हैं। 28 सितंबर को चुनाव होना है, मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं इस समय चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक जमघट भी लगा हुआ है, उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन भी है और साथ में मास्क भी लगा रखा है। कोरोना-19 इस बार एक बड़ी चुनौती रहेगी। हमारे साथ प्रत्याशी हैं, सर कोरोना-19 गाइडलाइन का किस तरीके का आप पालन कर रहे हैं और चुनाव के अंदर मास्क और सोशल डिस्टेंस बड़ी चुनौती है? सर इस बार कोरोना के अंदर सर लोग सोशल डिस्टेंस का तो है ही सर, और सोशल डिस्टेंस को देखते हुए सर लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और डिस्टेंस भी रख रहे हैं। तो ये एक अपने आप में इतना टाइम हो गया तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, एक भी कोरोना भी कोई चीज़ है, थोड़ा डिस्टेंस रखे तो खुद के सेहत के लिए दूसरों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। पूगल को पहली बार पंचायत समिति बनाया गया है, कई मूलभूत सुविधाओं से आज भी पूगल वंचित है। बात करें तो आवासीय पट्टे क्या प्राथमिकता रहेगी? सर आवासीय पट्टे की जो यहाँ की प्रक्रिया है वो क्या है, मंडी में जो मंडी के हैंड ओवर है सर, हम लोगों ने गांव वालों ने सब ने प्रयास किया, पिछले सब सरपंच थे उन्होंने भी प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया, राज्य सरकार के पास गए, मंडी सेक्रेटरी के पास गए, यहाँ से फाइल जयपुर लेके गए कि सर हमारे गांव में पूगल में पट्टे कटते हैं तो लोगों को मूलभूत सुविधा मिलता है। लोग कोई कहीं बसे हुए, कोई कहीं बसे हुए, कभी कोई प्रशासन वाले परेशान करते हैं, मंडी वाले परेशान करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जोर यही रहेगा, फर्श रहेगा कि सरकार के पास जाएं और सरकार से आग्रह करें कि हमें हमारे ग्राम पंचायत को पट्टों का परमिशन दी जाए, पट्टों का परमिशन ग्राम पंचायत को दो ताकि ग्राम पंचायत सभी लोगों को आवासीय पट्टे वितरण किए जाए, जिससे क्या लोग अपना कोई लोन ले सके, कोई कुछ भी करवा सके, पट्टा हो तो एक मूल वजूद रहेगा सर। आप 2005 के अंदर भी सरपंच रहे हैं, लोगों के लिए आप एक नया चेहरा नहीं है, ऐसे क्या 3 पदें रहेगी विशेषकर जो प्राथमिकता से आप पंचायत के अंदर पूरा करेंगे? प्राथमिकता से पूरे गांव के लिए पेयजल की रहेगी सर, पेयजल की समस्या हमारे यहाँ बहुत भारी समस्या है सर, क्योंकि नहरों में पानी आता नहीं है, कम आता है तो यहाँ जो डिग्गी बनी हुई है उसे तो प्रचुर मात्रा में पानी आता नहीं है। पाइपलाइन आज से 20-25 साल पुरानी जो पाइपलाइन है वो जर्जर हो चुकी है, वो जगह जगह लीकेज है। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी पूरे गांव में नई पाइपलाइन डलाई जाए, जिससे कि हर घर में पानी की टूटी लगे, सबको पानी मिले। आज अभी हम दूषित पानी पी रहे हैं, अभी जो पानी है आप उसका सैंपल ले जाकर देख ले, वो पानी से क्या हर आदमी के यहाँ गांव में रोडों में दर्द रहता है। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम सीधा मेन कैनाल से कोई लाइन जुड़वा के यहाँ लेके आए, उससे कि हमारे फ्यूचर में कभी पानी की समस्या ना रहे। और उत्तरफल की दृष्टि से पूगल ग्राम पंचायत बड़ी है, बिजली आज भी एक लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है, ये भी एक बड़ी समस्या है। बिजली करीब करीब तो सर पूरी हो चुकी है, अभी जो लोग ढाणियों में बैठे हैं उसमें काफ़ी लोग वंचित थे, हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि भाई ये लोग वंचित रह गए हैं, तो जिनकी डिग्रियों पर लाइट है, घरों पर लाइट है, कई खासकर रहते हैं जो आज भी जनरेटर से खेती कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगा कि दूर दराज के जो ढाणियों पर जो वंचित रह गए हैं तो प्राथमिकता से उनको बिजली दिलवाएंगे। 28 सितंबर को चुनाव होने हैं, कोरोना संक्रमण बड़ी बीमारी है, 28 तारीख को बड़े लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे, लोगों से क्या अपील है, किस तरीके का कोविड-19 की पालना की जाएगी? वो तो लोगों को सबको ही कह रहे हैं कि अभी पिछले ये चल रहा है जुलाई से जब से कोरोना आया है तो लोगों में भय तो है ही सर, अब धीरे धीरे भय भी खत्म हो चुका है, अब लोग अपने आप को
कोरोना से दूर रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, हाथ बार बार हाथ धोते हैं, सर वो चीजें सब कर ही रहे हैं लोग। बिल्कुल, ये थे प्रत्याशी पुगल ग्राम पंचायत से। इनके कहना है कि कोविड 19 की जो महामारी है इसके जो पालना की जा रही है, मास्क लगाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के तहत वोट मांगे जा रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है। बड़ी बात इन्होंने कही है कि शुद्ध पेयजल के नाम पर यहाँ पर अभी तक भी कई समस्याएं हैं। अगर बात करें डाणियों के अंदर अभी भी लाइट से कई लोग वंचित हैं, वहाँ पर लाइट देना और शुद्ध पेयजल पहुँचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला।